जवाब दो, जवाब दो। मुख्यमंत्री अपराधी मंत्रियों को बर्खास्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। लेसी सिंह पर हथियारों का जखीरा का आरोप क्यों? मुख्यमंत्री जवाब दो, जवाब दो। चुनाव में इस तथ्य को छुपाया है, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उन्हें अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेसी सिंह पर अमिताभ दास ने रिपोर्ट दिया है, सरकार से मांगा है कि इन पर छापामारी करने का अधिकार दिया जाए। इनके पास हथियारों का जखीरा है, नहीं तो इनका ये तमाम हथियार नेपाल के रास्ते से नेपाल भेज देंगे। और इस तरह से हम लोग समझते हैं कि बेगूसराय में जो सीपीआई के नेता की हत्या हुई है गणेश दास की, उसकी जाँच होनी चाहिए। अपराध को छुपाने की साजिश कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए है महबूब आलम जी, सीपीआई एमएलए के नेता हैं। आप क्या कहेंगे सर, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए या क्या? अरे अभी अपराध पर बात कीजिए, जनसंख्या नियंत्रण सरकार का बात होना है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। अपराध पे क्या आपका कर ये आपराधिक मंत्री है, 18 मंत्री है, अपराधियों को बर्खास्त करना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। और शाहनवाज हुसैन पर रेप और यौन शोषण के गंभीर अपराध है और इन्होंने तथ्य को छुपाया है नामांकन में, और इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेखी सिंह के पास हथियारों का जखीरा है, अमिताभ दास जैसे बड़े आईपीएस ने रिपोर्ट किया सरकार को, इसलिए ये अपराधों की सरकार। इस बात को सदन में आप लोग उठाएंगे? बिल्कुल जोरदार ढंग से उठाएंगे, जोरदार ढंग से उठाएंगे। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कर रहे थे उन्होंने, साफ तौर से कहा है जिस प्रकार से बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं इस पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ जो बिहार सरकार में कई ऐसे दागी मंत्री हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कई उनके मंत्री हैं जो अपने आइडेंटिटी को छुपा करके ही आज वो बिहार में मंत्री बने हुए हैं। तो ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई की बेहद जरूरी है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर भी लेकर कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, इससे हमारे आम जनता को ही भलाई होगा क्योंकि सरकार के जो भी योजना है उसे उनको लाभ मिलेगा। इस बात को ये लोग पुख्ते हैं सदन में उठाने का काम करेंगे। और वहीं इन्होंने बताया है कि जो उनके जो दागी मंत्री हैं उन पर भी हम लोग जोरदार से सदन में इस बात को उठाने का काम करेंगे, सरकार को इस पर मनवाने का काम करेंगे। देखने वाली बात रहेगी कि आज बिहार विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और लगातार विपक्ष जो है वो अपना बखूबी किरदार निभा रहे हैं, सरकार को कई तरह के हैं वो बातों को जवाब देते नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार से अब इस सदन में बात को उठाई जाती है। जो बिहार सरकार में दागी मंत्रियों पर आए दिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं ये कहां किस हद तक कह जाता है, उस खबर को भी लेकर के हम आप तक जरूर हाजिर हो जाएंगे। इस खबर बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद। अपराधी मंत्रियों को बर्खास्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। लेसी सिंह पर हथियारों का जखीरा का आरोप क्यों? मुख्यमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। एक शॉट हाथ उठाइए सब लोग, एक शॉट। अरे आप बोलना जरूरी आए लगे, शॉट्स बन रहा है ना दादा। कराना होगा, कराना होगा, सबसे कांड का उच्च स्तरीय जांच कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। यहाँ पे बढ़ते भाई पर मुख्यमंत्री जवाब दो, मुख्यमंत्री शर्म करो।